हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आ गए हैं व्रत की रेसिपी, साबूदाने का वड़ा, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन उनके लिए है जो 9 डेज का व्रत करते हैं। तो मैं ज़रूर उनसे निवेदन करूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर एक दिन ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप के बराबर साबूदाना। आप कोई सा भी कप मेज़र कर सकते हैं। इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लिया है। भूनने का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, वो निकल जाएगा तो हम आसानी से इसको पीस लेंगे। तो देखिए, हमने इसको पीस करके तैयार कर लिया है। साथ ही इसमें थोड़े से मूँगफली के दाने 1 मुट्ठी के बराबर हमने डाला, उसको भी पीस लिया और उसको भी इसमें डाल देंगे। ये 2 बॉईल किए हुए आलू रखे हैं, इसको हम अच्छे से ग्रेट करके डालेंगे इसमें। अब इसमें डाल देंगे हम 10 काली मिर्च, जिसको अच्छे से हमने पीस लिया था, और पीसने के बाद इसमें डाल दिया। स्वाद अनुसार डाल देंगे सेंधा नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। क्योंकि ये साबूदाना है तो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो हमने जिस कप से साबूदाना लिया था ना, हम उसी कप से 1 कप पानी लेंगे और ये पूरा पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए, हमने पूरा पानी इसमें डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। इसको रख देंगे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। साथ ही हम कर लेंगे चटनी की तैयारी। तो हमने इसमें डाल दिया है 1 मुट्ठी के ही बराबर हमने इसमें मूँगफली और सेंधा नमक। आसानी से पीस जाए इसके लिए हमने लिया है थोड़ा सा पानी। तीखेपन के लिए लिया है हमने 3 मिर्ची, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद इसको दूसरे बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये वड़ा इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी होता है कि आप व्रत क्या, आप बिना व्रत के भी इसको बना के खाएंगे। तो देख लेते हैं, 10 मिनट हो गया है, अब बैटर अपना देख लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम ऐसे हथेलियों पे ले करके अच्छे से दबा दबा करके चारों ओर से, और इसके छोटे छोटे बड़े बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ड्राई हो गया है बैटर, तो इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही ईजिली बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में तो मज़ेदार है ही। हमें पता है कि व्रत में हमें मन नहीं करता कुछ बनाने का, खाने का, तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको बनाइए और मज़े लेकर के खाइए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने व्रत किया है। तो हमने धीरे धीरे करके सारे वड़े रेडी कर लिए हैं। देखिए कुछ इस तरह का ये बन के दिख रहा है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद है तो आप इसको शैलो फ्राई कर लीजिएगा। अगर आप खा सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप इसको डीप फ्राई कर लीजिएगा। तो मैं तो यही कोशिश करूँगी कि शैलो फ्राई ही करूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा मन करे आप वैसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए, हमने एक बार में उतना ही डाला है वड़ा जितने की इसमें कढ़ाई में स्पेस है। आप ज़्यादा बड़ा बिल्कुल मत डालिएगा, वरना ये फूटने के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम इसको धीरे धीरे करके, जब ये एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन कलर में आ जाए, तो इसको पलट पलट करके अच्छे से हम सेक लेंगे। देखिए, हमारा वड़ा बिल्कुल बन करके रेडी है और मन कर रहा है ना खाने का। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार तोड़ के दिखाती हूँ। ये ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको खा करके। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी मेहनत और हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।